राजधानी रांची में आबादी के बीच खतरनाक पटाखे बेचने वालों पर गाज गिरी है। धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची एसडीओ भोर सिंह यादव ने रांची के तंग गलियों से पटाखे की दुकानों को गोदामों को अब जल्द हटाने के निर्देश दे दिए हैं। रांची की तंग गलियों में पटाखों की दुकानें संचालित है, जिससे यहां से गुजरना और किसी आपातकालीन समस्या के समय आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ सकती है और जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। इसके मद्देनजर रांची एसडीओ भोर सिंह यादव ने धारा 144 के तहत सभी पटाखे की दुकानों को 10 दिन के भीतर यानी 5 मई तक हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। बाजार क्षेत्र में जब मैं घूमकर देखा तो बहुत सारे पटाखा दुकानें और बड़े बड़े गोदाम भी वहां पर पाए गए हैं और अपर बाजार बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र है और कभी भी यदि किसी प्रकार की आग लगती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी के क्रम में धारा 144 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 10 दिनों के अंदर हटाने का निर्देश दिया गया। हाँ, हमने उनको बोला है कि आप चूँकि यहाँ भी ज़्यादातर किराए पर ही रहते हैं तो नई जगह पर जा कर के जो नई लोकेशन है वहाँ पर बताते हैं, हमें आवेदन देंगे, हम लोग उनको फिर से लाइसेंस देंगे। वहीं पटाखा दुकानदारों की माने तो लंबे समय से इस निजी कारोबार में लगे हैं और रोजगार परिवार का भरण पोषण का सारा दारोमदार इसी पर आधारित है। ऐसे में अचानक से प्रशासनिक आदेश उन्हें अचंभित कर रहा है। मैं आज सुबह जब उठा तो पेपर पढ़ा तो मैं भी भौचक रह गया और देखिए प्रशासन ने जो अपनी शंका जाहिर की है ये शंका जाहिर करना प्रशासन का सही भी है और उन्होंने जो ये आदेश जो ये किया है इस पर एक बार समीक्षा की जाए। हमारा खानदानी पुश्तैनी कारोबार है और हम इस कारोबार के अलावा मेरा कोई दूसरा कारोबार नहीं है। हमारा पूरा परिवार इसी से पलता है बढ़ता है और काफ़ी लंबा बड़ा परिवार है इसमें। दूसरी बात, ऐसे आदेश जो है प्रशासन की तरफ से आने वाले वो आते रहते हैं और हम लोग जवाब भी उसका देते रहते हैं, हम लोग उनको संतुष्ट करते हैं अपने जवाबों से। लंबे समय से बिजनेस कर रहे पटाखा दुकानदारों को इस फरमान के बाद चिंता हो गई है और आशा कर रहे हैं कि इसमें कोई संशोधन हो ताकि उनका घर परिवार ठीक